દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસ નજીક આવેલા નરોલી ખાતેથી આરોગ્ય વિભાગની ટીમે એક મકાનમાં છાપો મારી બનાવટી પનીર બનાવવાનું કારખાનું ઝડપી પાડી 400 કિલો નકલી પનીરનો જથ્થો કબજે કર્યો છે. સેલવાસ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખૂબ જ સસ્તા ભાવે પનીર વેચાણમાં મળતા કેટલાક જાગૃત નાગરિકોએ પનીરની ગુણવત્તા બાબતે શંકા વ્યક્ત કરી, જેને લઈને પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગે જુદી જુદી ટીમો બનાવીને તપાસ આદરી હતી, જેમાં નરોલીના એક મકાનમાં આવેલા કારખાનામાંથી બનતું નકલી પનીરનો દુકાનો સુધી પહોંચાડવામાં આવતીઓની માહિતી મળતા જ સ્વાસ્થ્ય વિભાગની ટીમે નરોલી ખાતે રેડ કરી 400 કિલો નકલી પનીર સાથે રામબરણ વર્માને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ કારખાનામાં બનાવવામાં આવતું નકલી પનીર દર મહિને 12,000 કિલોનો જથ્થો સેલવાસ તેમજ અન્ય હોટલોમાં પીરસવામાં આવતો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. हमें कुछ दिन से दादरा नगर हवेली में ऐसा इनपुट्स था कि बहुत सारी डायरियाँ डेरीज खुल रही हैं और डेरीज में पनीर का बहुत बिक्री हो रहा है और पनीर का सस्ते दामों में बेचा जा रहा है. तो हम लोग ने दो दिन से ये एक मुहिम चलाई थी कि पनीर इतना सस्ता बनता है तो वेदर वो क्वालिटी उसकी सही है कि नहीं है या कोई गलत पनीर बन रहा है और लोगों के पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या. तो दो दिन हमने पूरा मेहनत किया, सब डेरीज पे गए, चेक किए और फाइनली हमको एक नरोली में जो नरोली बोरीकाम रोड पे एक स्थित एक घर है, घर में एक पूरा मशीनरी लगा हुआ मिला जहाँ पे डुप्लीकेट पनीर बनता था. ये पनीर में ज़ीरो फैट दूध ये लोग लाते थे और उसमें कॉटन सीड ऑयल मिक्स करके और एक और केमिकल मिक्स करके पनीर बनाते थे ये लोग और वो पनीर मार्केट में पूरा बेच देते थे. तो इनको भी मालूम है, जब हमने इंटरोगेट किया तो जो चलाते हैं उनको भी मालूम है कि ये हम गलत करते हैं. तो मगर उनको यही कि वो उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर वो पहले काफ़ी साल तक वो डेयरी में काम कर चुके हैं एज अ मजदूर, तो उनको आइडिया है कैसे ये बन सकता है. तो ऐसे उन्होंने डुप्लीकेट पनीर बनाया और पूरे सिलवासा और नरोली में जितने भी डेयरीज हैं वहाँ उन्होंने सेल किया. सर फिलहाल कितना माल पकड़ा गया है और किस तरीके से अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, माल सीज कर रहे हैं अभी, जस्ट इनिशियल फेज है. अभी धीरे धीरे माल टोटल कितना सीज होता है वो सब बताएंगे आप. सर जो काफी सारी डेयरी सिलवास में आई है तो क्या उधर भी ये सैंपलिंग तो हो गया वहाँ पे? सैंपलिंग तो ऑलरेडी वहाँ हो चुका है. तो सिर्फ पनीर पे ही है कि बाकी सब खाद्य पदार्थ जो इन तरीके डेयरियों में जो उग रही है उसमें क्या है? नहीं नहीं, बाकी डेयरी का दूध सैंपलिंग कर रहे हैं मगर साथ में सबसे मेन चीज़ था पनीर, जिसकी बिक्री बहुत हो रही है और स्पेशली फेस्टिव सीजन में सब लोग के घर में बनता है और आजकल एक प्रोटीन खाने का भी एक फैब है जिसके कारण लोग पनीर ज़्यादा लेते हैं. तो इसीलिए हमने सोचा कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा था कि लोगों के हेल्थ के साथ खेला जा रहा हो, इसलिए हमने ये कोशिश की और दो दिन में हम ढूंढ निकालेगी यहाँ पर नकली पनीर यहाँ पर बन रहा है. और एकदम सेटिंग आप देखिए, एकदम घर जैसा सेटिंग है, बाहर से पता नहीं चलता ये घर के अंदर हो रहा है और इसमें मेन रोड पे है जो नरोली से बोरीगाम जाता है वो रोड पे है और पता ही नहीं चलता एकदम घर का सेटिंग है, घर के अंदर पूरा मशीन लगा हुआ है. तीन महीने से, इसके पहले दूसरा बना रहा था. अच्छा, आप दो तीन महीने से बना रहे हैं? हाँ. कैसे बनाते हैं और कितना रोज का निकलता था पनीर? 350 किलो. 350 किलो कहाँ कहाँ जाता था? सिलवासा जाता है और कभी कभी नवसारी जाता है बस.